हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इरवान और ओवर द रिंग, जो कि सैमुअल बटलर का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस नॉवल है, और ये नॉवल 1872 में पब्लिश्ड हुआ था एनोमिसली। और ये जो नॉवल है, ये एक फिक्शनल कंट्री, एक काल्पनिक कंट्री के अंदर सेट है, जिसे कि प्रोटागोनिस्ट हमारा जो हीरो है वो उस कंट्री को खोजता है, उसे एक्सप्लोर करता है। अब इसके टाइटल जो है यही बहुत खास है। इसमें अगर हम नोवेयर शब्द को बैकवर्ड तरीके से लिखते हैं तब हम इसे इरवान के रूप में लिखते हैं। ये जो बुक है ये विक्टोरियन सोसाइटी पर एक सैटायर है, और इसके जो कुछ पहले चैप्टर हैं वो इरवान की डिस्कवरी पर बेस्ड हैं, जो कि सैमुअल बटलर खुद न्यूजीलैंड में गए थे और वहाँ पर उन्होंने शीप फार्मर का काम किया था। तो उस चीज़ को ही बेस बनाकर इन्होंने ये वर्क लिखा है। अब हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें हिग्स, ये जो हिग्स है ये हमारा हीरो है। ये एक जवान लड़का है जो भेड़ों के फार्म हाउस पर काम करता है। जब वो मैदान में भेड़ों को चराने जाता है तो वो दूर जो पहाड़ है उन्हें देखा करता है, और वो ये सोचा करता है कि इन पहाड़ों के पीछे जो जमीन होगी वो कैसी होगी। जब उसके माइंड में ये बात आती है तो इस बात को वो वहां रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति जिसका नाम है चाबोक, वो उस चाबोक को ये बात बताता है। और जैसे ही चाबोक को ये बात बताता है तो चाबोक कहता है कि इस ज़मीन पर जाना मना है। जब हिग्स बार बार पूछता है कि वहाँ जाने में क्या प्रॉब्लम है तो चाबोक एक अजीब से पोस्चर में खड़ा होकर रोने लग जाता है, जिससे हिग्स की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, और वो चाबोक को परस्यू करता है कि वो उसे पहाड़ों के पार यात्रा पर अपने साथ ले जाए। ये लोग यात्रा पर निकल पड़ते हैं, लेकिन इन्हें पहाड़ों के बीच से गुजरने का जो दर्रा होता है, रास्ता, वो नहीं मिलता है। एक दिन अकेले घूमते घूमते हिग्स को एक छोटी सी घाटी मिल जाती है, और वो ये समझ जाता है कि इस छोटी सी घाटी के जरिए ही पहाड़ों को पार किया जा सकता है। फिर वो खतरनाक बड़ी बड़ी चोटियों को पार करता है, और वो रीड यानी गन्ने से बनी हुई एक नाव के जरिए एक नदी को भी पार करता है। जब वो पहाड़ों को पार करता है तो उसको उसके सामने शानदार रोलिंग मैदान दिखाई देते हैं, रोलिंग प्लेन दिखाई देते हैं। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ उसे अजीब सी इंसानों की मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, स्टैचू दिखाई देती हैं, जिनमें से जब हवा गुजरती है तो एक अजीब सी आवाज़ निकलती है। अपनी लंबी यात्रा से थक चुका हिग्स ये तय करता है कि अब वो रेस्ट करेगा। अगले दिन जब वो जागता है तो वो ये देखता है कि दो लड़कियां उसके आसपास बकरियों का झुंड लेकर जा रही हैं। जब वो लड़कियां हिग्स को देखती हैं तो वो भाग जाती हैं और कुछ और लोगों को बुलाकर लाती हैं। हिग्स उन्हें यह समझाता है कि वो एक इंसान है और वो पास के एक छोटे से कस्बे में आया है। वो लोग उसे पकड़कर एक पड़ोस के कस्बे में ले जाते हैं और उसके कपड़ों को भी ले लेते हैं, और उसकी जो घड़ी है उस घड़ी को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। ये अजीब से लोग इंसान हिग्स की सेहत को लेकर बड़े टेंशन रखते हैं। वो उसका पूरी तरह से एक मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद वो उसे जेल में डालने का फैसला करते हैं। जेल में ही हिग्स उनकी भाषा, उनके अजीब से रीति रिवाज को सीखना शुरू करता है। तब उसे पता चलता है कि इस देश का नाम एवरहॉन है, और यहाँ एक बड़ी खास बात है, यहाँ पर बीमारी को एक अपराध समझा जाता है, और जो बीमार आदमी है उसको उसके साथ एक क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जाता है, उसे जेल में डाल देते हैं, जबकि जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ बड़ा ही सिंपैथी वाला व्यवहार किया जाता है, और उन्हें हॉस्पिटल में रखकर उनका अच्छी तरह से केयर किया जाता है। हिग्स को यह आदेश दिया जाता है कि वो वहाँ के राजा रानी के सामने
प्रस्तुत हो। जब वो राजा रामनी के सामने कोर्ट में प्रस्तुत होता है तो उसे पता चलता है कि उसे सेनोज नोसिनबोर नाम के एक बंदे के साथ रहना है। ये देखिए, ये जो शब्द है सेनोज नोसिनबोर, ये रॉबिन्सन जोन्स को उल्टा लिखने पर ये शब्द बनता है। और वो दरबार में कई बार जाता है तो लोग उसकी तरफ बड़े आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसके बाल जो हैं वो गोल्डन कलर के हैं, ब्लॉन्ड कलर के बाल हैं, जो कि इरहोन में एक दुर्लभ चीज है। वो इस देश के इतिहास और रीति रिवाजों को और अच्छी तरह से समझता है, तो उसे पता चलता है कि 2500 साल पहले यहाँ एक प्रोफेट आए थे, एक नबी आए थे, उन्होंने ये बताया था कि मीट खाना इलीगल है, क्योंकि इंसानों को दूसरे जिंदा जानवरों को नहीं मारना चाहिए। इसलिए सैकड़ों हजारों साल बाद भी इरवहोनियन जो हैं वो वेजिटेरियन हैं। 200 साल पहले एक साइंटिस्ट ने यहाँ एक विचार दिया था कि मशीनों में भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, इसलिए सब मशीनों को ख़त्म कर दिया गया। इस देश के बारे में जो धर्म है उसके उसे नोसिनबोर की बेटी सिखाती है। अब नोसिनबोर जो है ये हिग्स की शादी अपनी बड़ी बेटी से करना चाहता है। इसकी जो बड़ी बेटी है वो कहता है कि इससे उसकी शादी हो जाए, तो वो पूरी प्लानिंग करता है कि मेरी जो बड़ी बेटी है जिसका नाम है जुलोरा, जो कि एरियलूज को उल्टा लिखने पर बनता वर्ड है, वो सोचता है कि इस मेरी शादी हिग्स की शादी मैं इससे करा दूं। लेकिन हिग्स को ये पसंद ही नहीं होती है। हिग्स को नोसिनबोर की छोटी बेटी एरोवेना पसंद होती है। अब ये जो एरोवेना है ये हिग्स को धर्म के बारे में बताती है। ये एक सुंदर लड़की है और दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नोसिनबोर एरोवेना की शादी तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसकी बड़ी बेटी जुलोरा की शादी नहीं हो जाती है, जिसके कारण उसमें और हिग्स में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है और वो अपने रहने की जगह कहीं और ढूंढता है। जल्दी ही नोसिनबोर को ये पता चल जाता है कि हिग्स और मेरी बेटी एरोवेना गुपचुप तरीके से मिल रहे हैं। इसके बाद जो यहाँ का राजा है उसे अपनी टेंशन है, उसको लगता है कि हिग्स अपने साथ में एक घड़ी लेकर आया था। उसे ये लगता है कि हिग्स वापस से मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। हिग्स ये जानता है कि उसे यहाँ से भागने के लिए एक प्लान चाहिए, इसलिए वो महारानी जी को ये एक प्रस्ताव देता है कि वो जाकर गॉड ऑफ एयर से बातचीत करता है कर सकता है। इसके लिए उसे एक गर्म हॉट एयर बैलून में यात्रा करने की परमिशन दी जाए। रानी इस बात से बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, राजा भी मान जाता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि वो यहाँ से गिरकर मर जाएगा। हिग्स यात्रा की तैयारी करता है और अपने साथ एरोवेना को भी ले जाता है। और अब वो एरोवेना को अपने साथ लेके जाता है तो इसके साथ में वो क्या करता है कि ये दोनों जने अपनी पूरी योजना बनाकर इस हॉट एयर बैलून में उठकर भाग जाते हैं। सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक होता है। जल्दी ही कपल हवा में उड़ने लगता है, वो समुद्र को पार करते हैं और गुब्बारा पहाड़ों को पार करके गुब्बारा समुद्र में गिर जाता है और दोनों को पास से गुजरता हुआ एक समुद्री जहाज बचा लेता है। ये लोग कपल इंग्लैंड में जाकर शादी करते हैं और उसके बाद हिग्स दोबारा इरवान में जाने के लिए एक अभियान बनाना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि कोई मेरी बात नहीं सुनेगा क्योंकि ये एक फॉरबिडन लैंड की यात्रा है, सिर्फ ईसाई मिशनरियां ही ऐसी हैं जो उसकी बात सुनती है। तभी चोबोक जो है वो जो हिग्स का मित्र है वो इंग्लैंड में आकर लोगों को धर्म सिखाना शुरू करता है और उसके आने के बाद हिग्स लोगों को यह समझा पाता है कि वास्तव में एरवान एक देश है। वो ये उम्मीद करता है कि शीघ्र ही वो वापस उस देश में जाएगा और वहाँ ईसाई धर्म की शिक्षा को उस देश में फैलाएगा। और यहीं पर ही हमारा ये नोवेल एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना,
वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।